accessory plants of the male reproductive system. नंबर 1, ये बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए आपको, सेमिनल वेसिकल। वेसिकल्स कर देंगे बिकॉज पेयर में है, ठीक है। स्टेट ग्लैंड एक ही है। नंबर 2 इज प्रोस्टेट ग्लैंड्स। स्टेट ग्लैंड। नंबर 3 इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तब तक इन सब के सिक्रीशन को, क्या मेरा बोलने का मतलब हुआ, सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज एसेसरी ग्लैंड प्लस पॉन्स, उसको हम सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। जो कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कहीं कहीं पे सीमेन लिखा होता है, कहीं कहीं पे स्पर्म लिखा होता है, एक और चीज। अब आप सोचेंगे कि मैम तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ा रही थी, लेकिन किताबों में, बुक्स में कॉपर्स ग्लैंड लिखा हुआ, इसी को कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। का ही दूसरा नाम है। तो इन सब के सिक्रीशन को प्लस स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। याद रहेगा, मैं लिख देती हूँ। ये एसएससी ग्लैंड्स याद कर लेंगे। 3 मैंने आपको एसएससी ग्लैंड्स दिखाए हैं। कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। स्पर्म तो आपको पता है मेल गैमेट है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सीमेन की। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, सिक्रीशन, सिक्रीशंस ऑफ ऑल मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स और कलेक्टिवली नोन एज। अब आया समझ में? तब हम लोग क्या करेंगे इसको? ह्यूमन कहेंगे। अगर ये सारे एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को उसमें ऐड नहीं किया जाएगा तो उनकी वियेबिलिटी नहीं होगी, मतलब वो लाइफ कंडीशन में खुद को नहीं रख पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? किसी को समझ आया?